अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुस्तफा चीमा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला मोटो एज 50 के बारे में। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना ताकि आपको इस मोबाइल के सारे फीचर्स के बारे में पता चल सके कि ये आपको किन किन फीचर्स के साथ ये आपको मिलने जा रहा है, ताकि आपको इस मोबाइल को खरीदने में कोई मुश्किल वगैरह ना हो और इसके बारे में आपको मुकम्मल पता हो। ठीक है जी, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाई जा सके। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे कि ये आपको किस तरह का डिस्प्ले देने जा रहे हैं। 6.67 इंचेस का ये आपको पी ओलेड का डिस्प्ले दे रहे हैं, जो कि आपको 1 बिलियन कलर्स और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगा। इसकी अगर पीक ब्राइटनेस की बात की जाए तो ये आपको 1900 निट्स की ये आपको पीक ब्राइटनेस इसके अंदर मिल रही है। और इसके अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो ये आपको 1.5K तक इसमें ब्राइट रेजोल्यूशन के साथ ये आपको मिलने जा रहा है। इसके अंदर 446 PPI डेंसिटी इसके डिस्प्ले की आपको ये दे रहे हैं। अब बात करते हैं जी इस मोबाइल के बिल्ड के बारे में। तो ये आपको फ्रंट पे ग्लास, एल्यूमिनियम का फ्रेम, प्लास्टिक का बैक और सिलिकॉन पॉलीमर इको लेदर यानी कि बैक दो तीन टाइप के अंदर ये आपको मिलने जा रहा है। सिम की अगर बात की जाए तो ये आपको सिंगल सिम, नैनो सिम और ड्यूल सिम के साथ आपको ई सिम वगैरह आप इसके अंदर आप लगा सकते हैं। वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ये आपको IP68 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस की रेटिंग के साथ मिल रहा है, जो कि बिल्कुल ही बेहतरीन इसके अंदर आपको वेरियंट्स लगाया गया, जो कि MIL STD 800 और 10H कंप्लाइंट के साथ ये आपको दिया जा रहा है, जो कि इसके अंदर आपको स्लिमनेस मोबाइल के भी साथ में शामिल किया जाएगा। इसके अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये आपको एंड्रॉयड 14 के साथ मिल रहा है, जो कि आपको 3 साल की मेजर अपडेट के साथ आपको मिलेगा। चिपसेट की अगर बात की जाए तो चिपसेट के अंदर ये आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 4 नैनोमीटर वाला चिपसेट इसके अंदर लगाया जा रहा है। और इसके अगर GPU की बात की जाए तो ये आपको Adreno 644 इसके अंदर आपको GPU दिया जा रहा है। वगैरह के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपको इसके अंदर SD कार्ड का सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और दो तरह के वेरिएंट के साथ ये आपको लॉन्च किया जा रहा है, 8 GB RAM 128 GB ROM के साथ और 12 GB RAM और 256 GB ROM के साथ आपको इस मोबाइल को रिलीज किया जाएगा। बात करते हैं जी इस मोबाइल के कैमरे के बारे में, जो कि एक अच्छा फीचर इसके अंदर कैमरे दिए गए हैं। बैक पे ये ट्रिपल कैमरे के सेटअप के साथ आपको मिल रहा है। मेन कैमरे की अगर बात की जाए तो ये आपको 50 MP का मेन कैमरा दे रहे हैं, जो कि वाइड एंगल के लिए यूज किया जाएगा। मल्टी डायरेक्शनल PDF और OIS का सपोर्ट इसके अंदर आपको इस लेंस के अंदर दिया जा रहा है। दूसरे कैमरे की बात की जाए तो आपको 10 MP का दिया जा रहा है, जो कि टेलीफोटो के लिए यूज किया जाएगा। इसके अंदर भी PDF और 3x ऑप्टिकल जूम का आपको सपोर्ट मिल रहा है। तीसरे कैमरे की अगर बात की जाए तो तीसरा कैमरा आपको 13 MP का दे रहे हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यूज किया जाएगा और 1.12 micro M एंगल तक आप इसकी फोटो वगैरह ले सकते हैं। वीडियो की बात की जाए तो वीडियो में ये आपको 4K at 30 FPS तक इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और वीडियो के अंदर आपको गायरो और ES का और HDR10 का आपको इसके अंदर सपोर्ट दिया जा रहा है। सेल्फी के कैमरे की अगर बात की जाए तो सेल्फी पे ये आपको 32 MP का कैमरा दे रहे हैं, जो कि वाइड एंगल के लिए यूज किया जाएगा। और अगेन यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी 4K at 30 FPS होने वाली है। अच्छी फ्रंट और बैक की आप इस पे वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कहते हैं जी इस मोबाइल के बैटरी के बारे में, तो ये आपको 5000 mAh की बैटरी दे रहे हैं, जो कि आपको 68 W वायर्ड अडाप्टर का सपोर्ट दे रहे हैं, और साथ में 50 W वायरलेस का सपोर्ट भी इस मोबाइल के अंदर आपको मिल रहा है। ये चीज है जी इस मोबाइल की बैटरी के बारे में। अब अगर इसके सेंसर की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक सेंसर, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल, ये सारे सेंसर आपको, गायरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको ये मिल रहे हैं। और साथ में अगर इसमें एक यूनिक जो इसके अंदर दिया गया, वो स्मार्ट कनेक्ट रेडी फॉर सपोर्ट इसके अंदर दिया जा रहा है सेंसर। कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात की जाए तो Wi-Fi 6 ट्राई बैंड के साथ मिल रहा है, और Wi-Fi डायरेक्ट का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। ब्लूटूथ का 5.2 का इसके अंदर वर्जन लगाया गया। पोजिशनिंग में GPS, ग्लोनास, गैलीलियो, BDS और NFC का इसके अंदर आपको सपोर्ट मिल रहा है। स्टीरियो के स्पीकर दे रहे हैं, जो कि एक अच्छे स्पीकर में शामिल हो रहे हैं, और टाइप सी की पोर्ट दे रहे हैं। 2.0 OTG के वेरिएंट के साथ आपको ये मिल रहा है। कलर्स की अगर बात की जाए तो कलर्स के अंदर ये कोयला ग्रे, जंगल ग्रीन, पीच फूज, ये 3 कलर्स के अंदर ये आपको देने जा रहे हैं। बाकी इस मोबाइल के प्राइस की बात की जाए तो इसकी अभी तक प्राइस की कन्फर्मेशन नहीं पता,
जैसे पता चलेगी आपको बता दी जाएगी। ये चीज़ें थी जो मैं आपको इस मोबाइल के बारे में बताना चाहता था। आज के लिए इतनी, खुदा हाफिज़।